नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। काबुल पर उन्होंने राज कर भी लिया तो ये दूसरे किस्म का तालिबान है। तालिबान ने 20 साल जो ये गुफाओं में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, शहरों में रहे हैं, तो तालिबान ने कुछ ना कुछ तो सबक सीखा है और वो तीन किस्म के सबक सीखे हैं तालिबान ने। पहली चीज ये कि जो पुराना तालिबान था अब वैसा ही तालिबान दोबारा नहीं चलेगा। दूसरी चीज है अलकायदा जैसे ग्रुप्स के साथ तालिबान को यह पता है कि अगर इन्होंने दोबारा पार्टनर करा तो अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बॉम्बिंग के ही थ्रू वो तालिबान को वापस गुफाओं में भगा सकते हैं। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तालिबान ने यह सीखा है कि दुनिया को चाहिए क्या। वो जो स्टोन एज की बात करते हैं ना कि मतलब हम लोग आज से 1500 साल पहले की जिंदगी, वो अब चलेगी नहीं और तालिबान वाले समझ चुके हैं, तो वो लोगों से बात करते हैं। इसलिए तालिबान ने साल भर पहले भी बोल दिया था कि भाई हिंदुस्तान हमारा हमसाया है और हम उसको पाकिस्तान के प्रिज्म से नहीं देखते, हमारी उनके साथ रिश्ते अलग हैं। पाकिस्तान का उल्टा मामला है क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान नियली बनाया ही, कह लीजिए पाकिस्तानी फौजी उसमें थे शुरू में, जो कि जिन्होंने तालिबान का गठन करा और तालिबान को जन्म दिया, और भी लोग थे जो तालिबान से एसोसिएटेड थे पाकिस्तानी आर्मी के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम पठान जो हैं या पश्तून है हमारी जेब में, पश्तून तो आज तक वो तो सिकंदर की जेब में नहीं रहे, तो पाकिस्तान की जेब तो बहुत छोटी है जो ये समझ ले कि हम देखिए पश्तूनों से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका हिंदुस्तान को आता है। पश्तूनों से आप तभी जीत सकते हैं जब आप उनसे दोस्ती कर लें, ठीक है। आप लड़के पश्तूनों को हरा नहीं सकते। अगर आपने ये सोचा कि आप लड़के पश्तूनों को हरा दिया या आपने आंखें दिखा दी या आपने बोला कि तुम्हें धमकाएंगे, तो फिर वो पठान किसी के काबू तो आने वाले हैं नहीं। वो कौम हजारों साल से किसी के काबू नहीं आई, तो अब कोई पाकिस्तान सोचे कि वो काबू कर ले मुश्किल है। इंडिया वाला तरीका सबसे अच्छा है, आप जाएं हाथ मिलाएं, इज्जत दें, इज्जत आपको मिलेगी, इसी तरीके से काम चल सकता है अफगानिस्तान में और काम नहीं चल सकता। हमने अपने बंदे वहां पे नहीं डाले, बूट्स ऑन ग्राउंड, हमारे जो लोग हैं वहां पे मदद करते हैं। हमने कभी पश्तूनों को छोटा नहीं दिखाया, हमने बराबरी का हर समय रिश्ता चाहा है। और वो लोग चाहे वो तालिबान हो, तालिबान हमसे क्यों बात कर रहे हैं, तालिबान इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तालिबान को पता है कि ये लोग कैसे हैं और तालिबान को ये भी पता है कि ये जो पाकिस्तानी फौज है वो लोग कैसे हैं। तो उनको साफ क्लियर हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो ये सेफ हाउसेस में उनके बच्चे पले बड़े हैं, किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको यू नो जलील करा है, जो लोग आपके पेशावर में रहते थे, कराची में रहते थे और दीगर इलाकों में, क्वेटा में रहते थे, ये सब तो किस तरीके से करा है। तो दे नो दिस इज अ न्यू तालिबान। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल 21st सेंचुरी के में उनका दिमाग आ गया और मॉडर्न हो गए, मैं ये नहीं कह रहा, वो है वैसे की वैसी जैसे पहले थे, लेकिन थोड़े से उनके दिमाग की खिड़कियां खुल गई हैं। इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल, 20 साल पुराना तालिबान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देयर हैज बीन मच चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग एंड इन द वे ऑफ डीलिंग विद द वर्ल्ड, और ये नजर आता है साफ। व्यूअर्स, मेजर गौरव आर्या जी कह रहे हैं कि तालिबान अब 20 साल पुराने वाले तालिबान नहीं है। इनकी ये जो इन डेप्थ स्टडीज़ हैं और जो एनालिसिस हैं, आप इनके chankiaforum.com पे जाइए जहां आप बहुत बड़ी आर्टिकल्स देखेंगे और आप इसकी जो ऐप्स हैं एंड्रॉयड की, एप्पल की, डाउनलोड कीजिए। मेजर गौरव आर्या जी इसके एडिटर इन चीफ हैं। मैं बातचीत को मेरे साथ थोड़ा आगे लेकर जाते हुए, आपने कहा कि भारत की भी इनसे बातचीत हो रही है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि भारत को आता है ये हुनर कि दोस्ती करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत की इस वक्त बातचीत हो रही है तालिबान के साथ, आपको क्या लगता है कि वो बातचीत पाकिस्तान के लिए कितनी इनसिक्योरिटीज़ पैदा करेगी? इनसिक्योरिटी पैदा करी या पाकिस्तान के, आप स्टेटमेंट देखिए, अब क्लियरली जो पाकिस्तानी मीडिया वाले जो आज से तैर साहब 6-8 महीने पहले ये कहते थे कि अमेरिका जाएगा फिर देखना क्या होगा, फिर तो इंडिया का रहना वहां पे मुश्किल हो जाएगा, इंडिया के कॉन्सुलेट्स बंद हो जाएंगे और मार मार के हिंदुस्तानियों को भगाएंगे, उन्होंने पहले ये एक खास एक पाकिस्तानी जहनियत है गेम खत्म होने से पहले अपनी फतेह डिक्लेयर कर देना, हम जीत गए, ये पहले ही बोल देते हैं कि हम जीत गए। ये दिवाली होने के 4-5 दिन पहले ही दिवाली मना लेते हैं ये सोच के कि वो तो होने ही वाली है, चलो मना लेते हैं।
they don't realize that geopolitics and foreign affairs, national security का paradigm है, does not work like that. ये test match है sir, ये 2020 का match नहीं है, test match है. जब तक आखिरी गेंद नहीं बोल होती आपको नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा. तो पाकिस्तान बड़ा सदमे क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं इनके ऊपर, हर रोज पाकिस्तान में फौजी मारे जा रहे हैं. ये कौन है? ये जो कहते हैं ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंडिया ने रॉ ने और ये सब ने पाल रखी है, वो छोड़ दीजिए. इनको तालिबान वाले जो इनके तालिबान है वो ठोकेंगे इनको. अभी आप देखिएगा ये होने वाला है. क्योंकि सिंपल सी इसमें दो तीन चीजें हैं ताहिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं समझाऊं. देखिए पहली चीज, जो ये पश्तूनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर पश्तून हैं, उनकी रिश्तेदारी अफगानिस्तान में है, ठीक हो गया. आप उसमें आप, मैं दो तीन लीडर्स के नाम लूंगा, जेल में भी डाल दिया इन्होंने ना, मोहसिन दावर को, अली वजीर को इन्होंने जेल में, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उनको उठा के जेल छह छह महीने चार चार महीने उनको ना वहां पर टॉर्चर करते हैं, ये सब उल्टी सीधे काम तो करते हैं यहाँ पे. इट यू कैनॉट इमेजिन इंडिया में अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप ऐसे कर दें तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा हल्ला हो जाए. वहां पे उन्होंने खुद के पार्लियामेंट, अच्छा चार्ज क्या लगा मुझे आज तक नहीं पता, क्या FIR कटा, कुछ नहीं, एजेंसी उठा के ले गए, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को उठा के ले गए. चलिए वहां पे मंजूर पश्तीन है, पश्तून तहफ़ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. मैं तो सिर्फ एक चीज ये कह रहा हूं तहरीर साहब की, मंजूर पश्तीन भी जो एक पीसफुल एजिटेशन लीड कर रहा है अगेंस्ट द अथॉरिटीज, वो पाकिस्तान से ये नहीं कह रहा कि मुझे अलहदा होना है पाकिस्तान से. मंजूर पश्तीन ये नहीं बोल रहा कि मैं पाकिस्तान के आईन में भरोसा नहीं रखता. वो सिर्फ अपने हकूक की बात कर रहा है. और फिर ये उसको इज्जत नहीं दे रहे, पठानों को इज्जत नहीं दे रहे, है ना. फिर ये क्या चाहते हैं कि पठान भी वैसी करें जैसे बलोच कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी को धक्का देंगे और गैरतमंद कौम है पठान, वैसी गर्म दिमाग वाले हैं जितना मैंने देखा है, तो मैंने तो गर्म दिमाग वाले ही देखे. उनकी अगर इज्जत पर बात आ जाए फिर वो मरने मारने पर उतर आते हैं पठान. और आई एम टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, बट आई हैव सीन दिस. ठीक है कि वो उनकी दोस्ती भी एक्सट्रीम वाली होती है, दुश्मनी भी एक्सट्रीम वाली होती है पठानों की, वो मिडिल पाथ मैंने कम ही देखा है. तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ना बहुत, अगले एक साल पाकिस्तान में देखिए रेफ्यूजी क्राइसिस होगा सब, आप मान के चले रेफ्यूजी क्राइसिस होगा. अमेरिका बमबारी करेगा, यहां नहीं तो वहां नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो कहीं और से, ठीक है, बमबारी करेगा, रेफ्यूजी क्राइसिस होगा, ये लोग पाकिस्तान में आएंगे, आप पाकिस्तान में आने से रोक नहीं सकते. और वही पाकिस्तान में जो 1989 के बाद हुआ था, वही दोबारा गन कल्चर, कलिश्नकोफ कल्चर, ड्रग्स, ये फिर होने वाला है, ये इट विल स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल. और आप ईरान के जैसे नहीं कर सकते ना, ईरान ने जैसे बीच बीच डेजर्ट के बीच में फेंस लगा दिया, बोला कि सब लोग इधर नहीं, इनके रिश्तेदार है वहां पे, ये वही कौम है जो यहां पे वहां पे. और ड्यूरेंट लाइन को वैसे ही पठान मानते नहीं है ये, तालिबान तो रोज तोड़ते रहते हैं ड्यूरेंट लाइन में, जो इन्होंने तारबंदी कर रखी है पाकिस्तानियों ने, तो रोज तोड़ते रहते हैं बीच में से. मैंने वीडियो भी पोस्ट करा था एक साल पहले शायद, और 8-10 महीने पहले मैंने ट्विटर पे वीडियो भी डाला था, जिसमें वो लोग, या फेसबुक पे डाला था, कहीं ना कहीं डाला था, कि वेयर दे वर ब्रेकिंग दैट वायर एंड द फेंसिंग. तो वो तो मानते नहीं और तालिबान भी नहीं मानते. तो जो बेसिक चीज है, देखिए आप अगर ड्यूरेंट लाइन को हटा दें. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त. आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं. पाकिस्तान तालिबान का डाई हार्ट सपोर्टर है. आप अगर पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर 80% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तालिबान के डाई हार्ट सपोर्टर हैं. और तालिबान भी जो अफगानिस्तान में सिचुएशन बन रही है वहाँ पर बहुत सारे एरिया कैप्चर कर रहे हैं. और आज तो ये न्यूज़ आई है कि ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर को तालिबान ने कैप्चर कर लिया है. हालांकि काबुल अभी नहीं मिला है, हो सकता है काबुल कैप्चर होगा. आपको बता दें कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि ये वेस्टर्न बॉर्डर फ्री हो जाएगा और फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ेगा. हालांकि आपको भी पता है जिस जो तालिबान है या तालिबान से पहले का अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि वो लूटपाट करके ही उनका गुजारा चलता है. लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में लूटपाट करके तो उनका गुजारा चलेगा नहीं. तालिबान को लेकर जो एक्सप्लेनेशन किया है मेजर गौरव आर्या ने, वो काफ़ी मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि तालिबान को भी पता है कि उन्हें इकनॉमी चाहिए, इकनॉमी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए उन्हें दूसरे देशों से रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे. और भारत से रिलेशनशिप बना के वो, जैसे कि पहले अफगानिस्तान भारत से बहुत सारी चीज़ें, अनाज और बहुत सारी चीज़ें लेता था और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो ऐसा कुछ करके वहाँ की इकनॉमी चलेगी तो वो भारत से रिश्ते ख़राब करना नहीं चाहेगा. और पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए मतलब क्या है, पाकिस्तान को धोखा मिलने वाला है. आप देखें सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होने वाली है. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए.